सो हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू अवर चैनल सुपर बोल। गाइज मेरा नाम है शरीम खान और गाइज मेरा नाम है सागर। एंड या गाइज, गाइज आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं किंगडम एपिसोड 9 के गाइज दो परफॉर्मेंस पर, जिनमें से गाइज फर्स्ट होने वाली है दी वॉइस की मोस्ट परफॉर्मेंस एंड गाइज सेकंड होने वाली है 80s की आंसर ऑड टू जॉय। और गाइज हमने सिर्फ यही नहीं, इससे पहले हमने दो परफॉर्मेंसेस पर भी रिएक्शन दे रखा है, ब्लू मून की एंड मूव बाय SF9 पर। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो गाइज आप वो भी जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और गाइज हमने यही नहीं, हमने उनसे भी पहले दो परफॉर्मेंस पे और रिएक्शन दे रखा है, क्लासिक सेवेज एंड स्ट्रे किड्स की। तो गाइज आप जाकर के चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे उनके भी। तो हमने सारा अपना रिव्यू डिस्कशन कर रखा है, उन वीडियोस को जाके चेकआउट जरूर करना। या गाइस, और गाइस हम सिर्फ ये नहीं, और भी फ्यूचर में जो किंगडम के परफॉर्मेंस आएंगी तो उन पर भी रिएक्शन देते रहेंगे। तो गाइस जो भी इंटरेस्टेड है गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकता है, जिससे कि आपको कोई भी रिएक्शंस मिस ना हो। तो चलिए गाइस अब और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, गाइस पहले ही परफॉर्मेंसेस देखते हैं। सो हियर वी गो। ओह, किंगडम का इंट्रो वैसे बहुत पावरफुल है। या द बॉयज, वो कितना खतरनाक म्यूजिक। ओके आई लाइक दैट टोन, जो ये पर्पल टोन है पूरा वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। किंगडम की जो परफॉर्मेंसेज होती हैं बहुत एपिक होती हैं यार। या सुपर हीरो लैंडिंग। ओह म्यूजिक मॉन्स्टर, ये सॉन्ग बहुत ही कमाल का है। और इनकी वोकल सी कमाल की है। इनका जो लेग वाला स्टेप है वो मेरा फेवरेट है। ये मूव बढ़िया है। और ये जो लेग वाली मूव्स होती है जो एक्सो करता है, पहले भी बहुत अच्छा कर रहा है। वेल, इनकी वॉइस बहुत ही फ्लुएंट और स्मूथ लग रही है, जैसे एक्सो की बहुत पावरफुल होती है वैसे नहीं लग रही। मतलब ये देखा जाता है सॉन्ग को रिमिक्स कर देते हैं। पीछे का सेटअप कितना ओह वाओ, सेटअप और कितना ज्यादा स्टेप बढ़िया था। ओह ये और वाओ, ये वॉइस सिमिलर लग रही है। आई एम सॉरी, ये बढ़िया वॉकल है। इसका नाम नहीं पता पहले मेरे को। कुछ दिख नहीं रहा है। ओह वाह वाह वाह, ये स्नेक, वाह। और ये स्नेक इस सेट्स वगैरह कितने एपिक बनाते, कितने एपिक बनाते हैं। डेथ साइड किंगडम तो बहुत अमेजिंग है लगता है मेरे को। ओ भाई साहब, बेस्ट एंटर। ये बढ़िया था वैसे। म्यूजिक कितना बढ़िया चल रहा था बैकग्राउंड में। इनके वोकल ही बड़े कमाल के हैं। बढ़िया यार, वेली पर्पल वाला टोन बहुत अच्छा लग रहा है यार, अट्रैक्टिव लग रहा है।
वाओ वाओ म्यूजिक वेल साइलेंट लग रहा है, पावरफुल नहीं लग रहा जैसे मॉन्स्टर के सॉन्ग में था, बट परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है यार सच में। तो ये स्नेक अमेजिंग यार, माइंड ब्लोइंग। ओके तो एटीव म्यूजिक आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ इसके लिए। वाह व्हाट इज दिस, म्यूजिक स्टार्ट। पहले लग रहा है मैंने एक म्यूजिक कहीं सुन रखा है, और वाह यार जो पीछे गिटार का जो धुन है यार, वाह एपिक एपिक। वाओ म्यूजिक कितना पावरफुल है यार, ऐसा लग रहा है जो वॉरियर्स पे अच्छा लगता है ऐसे म्यूजिक, ऐसा लग रहा है। ओटली अमेजिंग वाओ वाओ आई लाइक दिस म्यूजिक। ओह क्या स्टेप था, वाओ वाओ यार जस्ट वाओ क्या मूव्स थे यार अमेजिंग। तो ड्रेसिंग कॉस्ट्यूम वगैरह कितने कमाल की लग रही है, अलग डिफरेंट लग रही है। ये जो लाइन बोलते हैं सब लोग, ये वाला पार्ट बहुत बढ़िया है। वाओ वो जैसे मैंने कहा म्यूजिक एपिक लग रहा है, ये एकदम बढ़ती जाती है ऐसे ऐसे। मूव्स भी बहुत बढ़िया है, कोरियोग्राफी भी बहुत बढ़िया है, और ये जो स्टेप्स कर रहे हैं यार यूनिक है यार। वॉकल कितने कमाल के हैं, आह क्या वॉकल है। अरे वाह बेस्ट यार, ये तो बेस्ट परफॉर्मेंस है। उसका रीजन बताऊंगा गाइस मैं कि ये बेस्ट परफॉर्मेंस क्यों है। ओह माय गॉड लास्ट में कितनी जोर से हाई नोट ली उन्होंने यार। ये ऐसी आवाज निकाल रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस यार ये, इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये बहुत ही एपिक होगी। वाओ वाओ वोकल देखो यार कितनी अमेजिंग निकाल रहे हैं। वाओ बेस्ट बेस्ट परफॉर्मेंस, ओ तेरी ओ भाई
ये जो वोकलिस्ट यार उसकी वॉइस कितनी कमाल की है, इसका नाम मुझे पता नहीं है, जिसे पता तो बता सकता है कमेंट सेक्शन में। क्या कोरियोग्राफी किया है इन्होंने, साबित कर दिखा दिया कि गाइस उनकी परफॉर्मेंस गाइस एपिसोड 9 की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक है। मतलब कि पता लगाना बहुत मुश्किल है कि सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सी है। सीरियसली गाइस इतनी कमाल की परफॉर्मेंस, चाहे वो एक्सो के थ्री बॉयज ने जो पैर वाला स्टेप किया था उस जैसे एपिक स्टेप हो, चाहे 80s की जो एंडिंग स्टेप हो, मतलब ए टू जेड बहुत बेस्ट थी दोनों की चीजें। अगर अभी स्टेप वाली बात करें तो गाइस वो सच में स्टेप करना बहुत ही मुश्किल होता है, और सच में गाइस एक्सो के अलावा बॉयज ने भी करके दिखा दिया कि वो भी ऐसा कर सकते हैं उनका स्टेप। वेल किंगडम में जितने भी सॉन्ग जितने भी ग्रुप परफॉर्म करते हैं वो सब अपना 100% एफर्ट दे देते हैं सर, जो भी कोरियोग्राफ करते हैं इन सबको एकदम इनके 100% एफर्ट खींच लेते हैं वो लोगों का। वेल गाइस आपको कोई सी भी परफॉर्मेंस में ऐसा नहीं लगेगा कि किसी ने कुछ कम करके दिखाया हो, हमेशा आपको एक लेवल अप ही देखने को मिलेगा इनकी सभी परफॉर्मेंसेस में। बिल्कुल, और किंगडम की परफॉर्मेंस में एक बात और है कि अगर हमने इनकी कोई परफॉर्मेंस देख ली तो हम पिछली वाली को भूल जाते हैं, जो कि मतलब कि सभी वीडियोस में ऐसा देखने के लिए मिलता है क्योंकि एकदम 100% एफर्ट होता है इनका। बिल्कुल गाइस ये बात तो बिल्कुल सही कही, और ऊपर से गाइस इसका एक और प्लस पॉइंट कह सकते हैं इनका सेट्स इतना कमाल का होता है कि गाइस डांस भी अगर किसी का अच्छा ना हो यार सेट्स ही इतना कमाल का होता है, जो कि वेल डांस तो वेल होता नहीं है कि किसी का अच्छा ना हो, लेकिन हाँ जो सेटअप वगैरह है लोगों की कितनी एमवीज में ऐसा नहीं होता जितने में इनकी ये स्टेज परफॉर्मेंस में हो जाता है। वेल अब तो देखने के लिए मिलने वाला है। वेल मैं तो चाहूंगा कि हमें BTS दी बेस्ट देखने के लिए मिले किंगडम शो में, जो कि परफॉर्म करें कोई अपना बेहतरीन सॉन्ग जो कि पावरफुल सॉन्ग हो, तो देखने के लिए मिलेगा कि कितना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं वो लोग भी। और गाइस बात करें 80s की, तो गाइस 80s की परफॉर्मेंस में कहूं तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, बिकॉज गाइस 80s ने अपनी परफॉर्मेंस ऐसी करी है कि गाइस उसको इसका लेवल मैच करना गाइस बहुत ही मुश्किल है यार, उसका जो एंड वाला पार्ट था गाइस वो तो बहुत ही एपिक था। और गाइस जब 80s की बात हो रही है तो मैं बताना चाहूंगा उनके वॉकर एक अलग ही लेवल के हैं, मतलब कि इतने कमाल के वोकल है कि एक तरीके के आप म्यूजिक को भी साइड हटा सकते हो, सेटअप भी ना देखो तो वोकल जो है ना वो मतलब कि एक अलग ही टोन के, इतने खतरनाक वोकल है उनके, और प्लस एंडिंग का जो पार्ट था वो एक अलग ही लेवल है उनका, एक उन्होंने एक अलग ही लेवल सेट कर दिया इस वीडियो के बाद उन्होंने। बिल्कुल गाइस यार 80s पे, वेल गाइस मैंने 80s पे एक रिएक्शन दे रखा है आपको, हमारे चैनल पे एक या दो रिएक्शन मिल जाएंगे 80s के, लेकिन गाइस सच में गाइस उनकी उन एमवी से भी हटके इनकी ये परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी लगी हमें, जो कि सच में एमवी से भी ज्यादा अच्छी लगी। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये परफॉर्मेंस में उनका 100% एफर्ट देखने के लिए मिला। वेल गाइस ये दोनों परफॉर्मेंस में हमने अपने थॉट्स बता दिए, आपके क्या थॉट्स है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या कैसे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और जैसे कि हमने कहा हमने सिर्फ यही नहीं और भी बहुत सारी किंगडम परफॉर्मेंसेस पर रिएक्शन दे रखा है, तो गाइस आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, और अभी आगे फ्यूचर में भी और भी बहुत सारी परफॉर्मेंसेस पर रिएक्शन आने वाले, क्योंकि अभी हमने एपिसोड 9 का किया, अब हम एपिसोड 10 का रिएक्शन जल्दी ही लेके आने वाले हैं। और गाइस हमारे कंटेंट को गाइस रेगुलर फॉलो करने के लिए गाइस आप हमारी कम्युनिटी में एक्टिव रह करिए, और गाइस हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे कंटेंट से इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी आपको। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, एंड या गाइस अगर आप सबके गाइस हमारी ये वीडियो पसंद आई और हमारा रिएक्शन पसंद आया तो गाइस प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।